एक समय की बात है, एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बात के बारे में सोचा जाए। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक बार गौतम बुद्ध किसी बाग में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें बुरा भला कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ डर दे सका। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।